नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 सितंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जीएसटी चोरी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 कंपनियां बनाई गई और इसके बाद इन्हीं कंपनियों ने 54 कंपनियों से व्यापार के फर्जी बिल तैयार किए। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार पूरा खेल शातिर तरीके से किया गया, जिसका मास्टरमाइंड एक 26 साल का वीरेंद्र कुमार निकला। पूरे घटनाक्रम में उसके 2 साथी कृष्ण कुमार और दिनेश कुमार भी शामिल थे, लेकिन पूरा लेनदेन वीरेंद्र के खाते से हुआ। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में बिजली विभाग की योजना के तहत जितनी भी बिजली की लाइन व केबल लगी हुई है, जल्द ही उसे अंडरग्राउंड किया जाए। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और श्रीराम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने ऊर्जा मंत्री को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराई, जिसके बाद श्याम मंदिर कमेटी के सदस्यों ने नागर का श्याम दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले मोमेंटो और गिफ्ट आइटम की ई नीलामी की शुरुआत 17 सितंबर से हो गई और इसकी घोषणा गुरुवार 19 सितंबर को पीएम ने 6 साल में पहली बार सबसे कम 600 आइटम्स की नीलामी होगी। मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि आपको जो मोमेंटो और गिफ्ट आइटम पसंद आए उसे जरूर खरीदो। ये इतिहास को संरक्षित रखने के साथ ही लोगों की भलाई में भी योगदान देती है। सबसे पहली बार नीलामी जनवरी 2019 में हुई थी और अब तक करीब 7,000 से ज्यादा तोहफों को ई नीलामी में रखा जा चुका है। राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ मानेसर कांड फिर से एक बार चर्चा में आया है। इस बार सीएम ने मानेसर कांड के समय हुई बाड़ेबंदी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। सीएम भजनलाल ने कहा कि जिनको जब समय मिला तब तक वो होटलों में थे और आज हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रियों का 7 दिन का पूरा टाइम टेबल सेट है। दरअसल मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने होटल में मौज मारी, जबकि हमारे भाजपा के मंत्री पूरे राज्य में सक्रिय हैं। यही हमारी सच्ची सेवा का संदेश है, जनता के बीच रहना और उनके हित में कार्य करना। सिरोही मंडार हाईवे पर टोल टैक्स को गुरुवार से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स बंद होने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। सांसद लुम्बा राम चौधरी पिछले काफी समय से सिरोही मंडार हाईवे पर टोल टैक्स को बंद करने को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन टोल टैक्स की एजेंसी बार बार हाईकोर्ट से स्टे लाकर टोल अवधि पूरी होने के बाद भी लंबे समय से टोल वसूला जा रहा था। परिवहन मंत्री से भी मुलाकात करके टोल टैक्स को बंद करने की मांग की थी। सीकर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक में आज कांग्रेस के 18 कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। जिला परिषद सदस्यों ने जिला प्रमुख गायत्री कंवर पर भेदभाव के आरोप लगाए। विपक्ष सदस्यों ने कांग्रेस के सदस्यों वाले इलाके में बिजली, स्वास्थ्य सहित आमजन से जुड़े विकास कार्यों में भेदभाव करने और काम नहीं करवाने के आरोप जिला प्रमुख पर लगाए। रेलवे ने सीकर के रास्ते चलने वाली जयपुर दिल्ली कैंट जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में 3rd AC डिब्बे की बढ़ोतरी की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारी के अनुसार गाड़ी जयपुर दिल्ली कैंट ट्रेन में जयपुर 1 से 1 अक्टूबर और दिल्ली एंड से 3 अक्टूबर से 1 3rd AC डिब्बे की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। धौलपुर जिले में साइबर ठगों द्वारा नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर धौलपुर SP ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी जारी करते हुए SP ने बताया कि ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान सर्वाधिक मामले ठगी के सामने आ रहे हैं। SP ने बताया कि ठगी के बाद जहां युवा और उनके परिजन परेशान हैं, तो वहीं पुलिस भी ठगी करने वाले लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है। राजस्थान के कृषि व उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलारिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषक उद्यमी को कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अधिकतम 1,40,00,000 रूपये तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। गलारिया ने गुरुवार को पंत कृषि भवन के सभाकक्ष में राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकतम 5,000 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कोल्ड स्टोरेज बनाने पर इकाई लागत का 8,000 रूपये प्रति मैट्रिक टन से गणना करके अधिकतम 5,000 मैट्रिक टन पर इकाई लागत का 35% या अधिकतम 1,40,00,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा दिए गए बयान पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने भी गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जयपुर के शहीद स्मारक पर राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का राज्य स्तरीय धरना आयोजित हुआ। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी विरोध में शामिल हुए। राजस्थान के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर अपनी अनोखी खूबी के लिए चर्चित है। यहाँ लोग ट्रेन के टिकट के लिए राजस्थान में खड़े होते हैं तो टिकट विंडो क्लर्क मध्य प्रदेश में बैठता है। यहाँ खड़ी होने वाली ट्रेन का इंजन मध्य प्रदेश में रहता है तो गार्ड का डिब्बा राजस्थान में। स्टेशन पर एक तरफ राजस्थान के झालावाड़ जिले का भवानी मंडी कस्बा है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का है। इन सीमाओं में मकान और बाजार भी जुड़े हुए हैं और ब्रिटिश कॉल में सन 1980 में इस स्टेशन का निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यातायात को सुगम करना है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगनमोहन सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी मिलाने का आरोप लगाया है। चंद्रबाबू ने बुधवार को कहा कि पिछले 5 साल में YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया, यहां तक कि तिरुमाला के पवित्र लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया और हम तिरुमाला देवस्थानम की पवित्रता की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। झाड़ावाल पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गुरुवार को पुलिस लाइन परिसर में SP ऋचा तोमर की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की संपर्क सभा हुई। इस दौरान पुलिस जवानों व्यक्तिगत व विभागीय समस्याओं से अवगत कराया। पहले से ही घाटे में चल रहे अजमेर डिस्कॉम का घाटा फिर बढ़ने के आसार है। डिस्कॉम के 17 जिलों के पिछले साल के आंकड़ों से तुलना की जाए तो न केवल बिजली बढ़ी है, वहीं राजस्व में भी पिछड़ा है। बिजली छीजत सबसे ज्यादा नागौर और कुचामन जिले में हुई है और सबसे कम बिजली छीजत चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस पर 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कलेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। रणवीर सिंह ने गुरुवार को नए DSP गैस कनेक्शन लेने वालों के लिए निःशुल्क PNG गैस कनेक्शन अवसर पोस्टर जारी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।